मेजरमेंट ऑफ इनोट सेल विद द एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और आज मैं डिस्कस करूंगा ये एक अपने एक अपने टाइप का अपने रूप में अपने आप में एक क्या होता है गैस आइन हाफ सेल होता है ठीक है ना तो कल मैंने कहा था यार एक मान के चला अगर मुझे मैं सिंपल कहूंगी मुझे मान ले एम जी से एम जी टू पॉजिटिव का क्या निकालना है ई नॉट निकालना है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ मैंने सिंपल तो कल बताया था इसके केस में इसके केस में में क्या होगा भैया? इसके ऑक्सीडेशन हो रहा है देख भाई, ठीक है, हो रहा है। ना अब कहूं कि सेल है। थोड़ -थोड़ नरस्ट का आइडिया दूंगा तो इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में अप्लाई कैसे नरस्ट ड्राइव कहां से हुई थी सुनना भाई इसको तो मैंने क्या बोला इसको मैंने बोला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला सुनना मेरी बात सुनना अगर मैं इसको बोलूं तो ये वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है जो एक एटीएम प्रेशर पे एक मोलर कंसंट्रेशन एक कंसेंट्रेशन यूनिट, यूनिटी पे क्या होने वाला पढ़े जाने वाला क्या है इलेक्ट्रोल पोटेंशियल है लेकिन अपने आप में है तो ये भी क्या एक सेल पोटेंशियल ठीक है ना सुनना मेरी बात अब अगर मैं नरस्ट की बात करूं तो नरस्ट क्या कहता है नरस्ट कहती है भैया कि मैं भी तुझे आइडिया किसका दूंगी ई सेल का आइडिया दूंगी किसका आइडिया दूंगी रे? ई सेल का है तो ये भी कौन सेल पोटेंशियल कौन है भैया सेल पोटेंशियल तो है मेरे पास लेकिन ये किसी भी टेम्परेचर पर एनी टेम्परेचर एनी कॉन्सेंट्रेशन पर पढ़े जाने वाला क्या है सेल पोटेंशियल दोनों मंत्र समझ में आया कि नहीं आया भाई सेल e वर्सेज अगर ई e सेल की बात करूं तो ई नॉट सेल एक ऐसा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो एक है मतलब मतलब कि कि जितनी भी अगर मैं डिफाइन तो कितना 298 बात समझ में आ आ रही रही नहीं स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड स्टैंडर्डीशन पे पे पढ़े जाने वाला सेल पोटेंशियल कौन e कहलाएगा बात समझ में आ रही बात समझ में आ रही है अब सुनना थोड़ी देर सुनना लेकिन दिक्कत कहां फंसती है दिक्कत यहां ये फंसती है भैया दिक्कत यहां ये फंसती है कि अगर मैं इस सेल पोटेंशियल को पढ़ने चलूं तो ई नॉट सेल तो मैंने निकालना सीख लिया में नर्स ड्राइव जब करनी सिखाऊंगा तो, तो, तो पुट कर सकता हूं लेकिन अभी भी मुझे पूरा ये नहीं पता कि मान ले अगर मुझे हाफ सेल में ही देख भाई मैंने पूरा अभी तक क्या पढ़ाया फुल सेल की कहानी सिखाई अगर मुझे हाफ सेल में इंट्रोड्यूस करनी आ जाए क्या नरस्ट इक्वेशन कैसे करूंगा भैया नहीं कर पाऊंगा तो अभी तक के डाटा से सिर्फ मुझे किस में नरस्ट अप्लाई कर सकता हूं फुल सेल में तो इसलिए मुझे नीड है किसकी टाइप ऑफ हाफ सेल्स को पढ़ने की